ओम नमः ओम नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो अध्यायारम नमो लोये सवसाहूरम शुद्धात्मान मनिकांतम साधुमत्तम मंगलम वंदे संदष्टि सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थ प्रकाशम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाजो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जेतु शासनम ये झाया झाणिक एकम कलंक दहि नित्य निरंजन नान मैत्र परम नमः समय सारा अनुभूत्या चकाश्री चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय आत्मा स्वभाव से सुखरूप है और सुख का कारण है। जैसे आश्रव दुख रूप है और दुख के कारण है, ऐसी आत्मा सुखरूप है सुख का कारण है। आत्मा अपना है, अपन स्वयं है और आत्मा के अतिरिक्त जिस जिसको अपना मानने की कोशिश करोगे वे ही दुख के निमित्त बनते। देखो पर और परिग्रह में क्या अंतर है, पर और परिग्रह अंतर क्या है? विश्व में स्व और पर, परिग्रह कुछ नहीं होता। जिस पदार्थ को हम अपना मानते हैं, अच्छा बुरा मानते हैं, उसी की परिग्रह संज्ञा होती है। ये पर है कि परिग्रह है? तो पर, लेकिन उसे जहां अपना माना वही परिग्रह होगा। दुनिया में अनेक लड़के हैं, वे कोई दुख के कारण नहीं बनते। अपना लड़का जब अपनी बात नहीं मानता, जिसमें अपनत्व, जिस जिसको अपना मानोगे वही दुख का निमित्त बनेगा। अपना मानना माने पर द्रव्यों में अपनेपन की मान्यता, वह दुख का मूल कारण है। और जिस जिसको हम अपना मानते हैं वह दुख का निमित्त कारण। निज को निज, पर को पर ज्ञान, बस फिर दुख का नहीं लेश निदान। निज निज है पर है, पर द्रव्य कभी निज रूप नहीं होता और निज द्रव्य कभी पर रूप नहीं होता। सामान्य भाषा में कहें तो अपना पराया नहीं होता और पराया अपना नहीं होता। नहीं होता ये वस्तु स्वरूप है, नहीं होने पर भी उसे अपना मानते हैं, ये है दुख का कारण। और पर को पर मान लिया जाए तो कहीं दुख का कोई काम ही नहीं, फिर दुख का। त्याग धर्म की चर्चा है, इस जीव को अपना स्वरूप समझे बिना पहले चर्चा कर चुके हैं। त्याग का भी अहंकार होता है, अहंकार का त्याग नहीं है। सम्यक्त्व के बिना उत्तम त्याग क्यों नहीं है? तो सम्यक्त्व के बिना त्याग का भी अहंकार होता है, अहंकार का त्याग नहीं होता। वस्तु स्वरूप को देखें तो एक गाथा है नियम सार जी में, आपको याद होगी होगी। निज भाव को तो कभी छोड़ता नहीं और पर भाव को कभी ग्रहण करता नहीं। निज भाव को कभी छोड़ता ही नहीं
आत्मा ज्ञान से रहित कभी नहीं होता, कितना ही तपश्चरण करे ज्ञान आदि से शून्य हो जाए ऐसा नहीं होगा। सोने को तपाओ तपाओ केटी कालिमा तो अलग होगी, लेकिन सोने का पीलापन अलग नहीं होगा। शक्कर को पकाएं, उसका कचरा अलग होगा, मिठास तो अलग नहीं होगा। तपश्चरण करने पर भी क्या अलग होगा, क्या अलग होगा? मोह राग आदि के भाव अलग होंगे, जो भिन्न हैं वे ही भिन्न होंगे, जो अलग नहीं है वे कभी अलग नहीं होंगे। कपड़े पर साबुन लगाओ, इस नीले कपड़े पर काले कपड़े पर साबुन लगाओ तो क्या सफेद हो जाएगा कि नहीं होगा? विचार करो, इस पत्थर पर काले पर साबुन लगाओ, काला पत्थर क्या सफेद हो जाए? मैल अलग होगा, इसका कालापन अलग नहीं होगा। स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं और पर भाव को कभी ग्रहण करता नहीं, पर रूप कभी होता नहीं है, ये सिद्धांत है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। मान्यता विपरीत होगी, ज्ञान विपरीत होगा, आचरण विपरीत होगा, उसका फल भी विपरीत होगा, माने दुख होगा। लेकिन मान्यता के अनुसार कोई वस्तु हो जाए ऐसा तो नहीं होता। पर को अपना मानने के कारण परद्रव्य अपने हो जाए, और आत्मा को पंडित टोटोमल जी ने एक बात लिखी है मोही जीवों के संबंध में, तो देखो आत्मा की भी चर्चा करता है, आत्मा को शरीर से भिन्न बताता है, मानो किसी और ही की चर्चा कर रहा है, और को और से भिन्न बताता, वे भिन्न आत्मा है। परिग्रह दुख का कारण है, कोई यहाँ आ जा कह दे परिग्रह सुख का कारण है, कोई नहीं कहेगा। लेकिन कोई नहीं मानता परिग्रह दुख का कारण, परिग्रह दुख का कारण है, बिल्कुल सही, लेकिन हमारा परिग्रह दुख का कारण है ये नहीं लगता। परिग्रह दुख का कारण है क्या मतलब है? कोई दुख में ज्ञान बूझ करके कोई अग्नि में कूदेगा, गड्ढे में गिरेगा, तो सुख की आशा से परिग्रह को क्यों देख रहे हो? फिर क्यों कल्पना कर रहे हो पैसा होगा तो सुख होगा, पैसा बढ़ेगा तो सुख बढ़ेगा? बोलो, जब परिग्रह दुख का कारण है तो परिग्रह के बढ़ने से दुख बढ़ेगा, ये न्याय हुआ? फिर परिग्रह को बढ़ाने में क्यों लगे कि वो तो साहब अपने आप आ रहा है, हम फोन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, अपने आप आ रहा है तो भी भाई आप ध्यान रखो, बिल्कुल सही कह रहे हो, अपने आप आ रहा है माने हमारे कमाए नहीं आ। फिर कर्तापना मत लाना, और अपने आप आ रहा है तो अपने आप जाएगा, अपना मत मानना, आए तो हर्ष मत करना और जाए तो विषाद मत करना। अपने आप आता है तो अपने आप आने वाला अपने आप चला भी जाता है। ऐसा नहीं है, उस बैल के ऊपर गाड़ी का भार क्यों आ गया? उसने स्वयं गर्दन फंसाई है। स्वयं गर्दन उसने ऐसी कर दी, ऐसी डाल दी। आपने अपना उपयोग जोड़ा है उस आने वाले पदार्थ में,
वह पदार्थ आता कोई हानि नहीं, पदार्थ ज्ञान में भी आए कोई हानि नहीं, उसमें अपनत्व आया बस। कितनी विनय से बोलते हैं लोग, भीतर में कितना अहंकार है, ममत्व है, उसमें कर्तृत्व बुद्धि है, कितनी विनय से बोलते हैं। महाराज पहले हमारे पास कुछ नहीं था, आज तो आपकी कृपा है। ये नहीं विचारता कभी एक क्षण भी नहीं देखता, पहले भी कुछ नहीं था और आज भी कुछ नहीं है, और पहले भी सब कुछ था आज भी सब कुछ है। ज्ञानाधिक भाव ही पहले मेरे थे और आज भी ज्ञानाधिक भाव ही मेरे हैं, और वे ज्ञानाधिक भाव ही मेरे रहेंगे। अचेतन पदार्थ पहले भी मेरे से भिन्न थे, मेरे नहीं थे, आज भी भिन्न है, मेरे नहीं है, मेरे अनुसार नहीं परिणमते। पुण्य के उदय में परद्रव्य का परिणमन अपने इच्छा के अनुकूल होता हुआ भी दिखाई दे तो कभी ये मत सोच बैठना मेरे लिए मैं परिणमा रहा हूं। लगता तो है कि हाँ, बहिर्दृष्टि होने के कारण लगता तो है कि तत्व ज्ञान के अभाव में हम नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है। क्या सोचो, जिनवाणी के प्रकाश में सोचो, ये कौन कर रहा है। जिनवाणी से पूछो क्या कौन कर रहा है, और आप पूजा के धोती दुपट्टा पहन करके जब खड़े हो रहे हो और गा रहे हो तब आप अपने से पूछना कौन वहां क्या कह रहे थे। यद चेतन की सब परिणति प्रभु, आप कह रहे हम नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है, हम ही तो कर रहे। ये बदली बात क्यों है भाई, वहां कुछ और यहां कुछ, अंदर में मान्यता में कुछ और वचनों में कुछ, ये क्यों है। ये हम यही ईमानदारी की तो एक ही बात है, एक ही दाम है, वहां तो एक ही व्यवस्था है, ऐसा तो नहीं कभी कुछ और कोई कुछ कोई कुछ। त्याग धर्म का मतलब क्या है, धारेती धर्म में समझ ले, इस बात को समझ लेना। इस बात को समझ लेना कि आत्मा का नहीं है ये सब, आत्मा ज्ञान मात्र है, मात्र शब्द का ही अर्थ इतना है। मात्र लगा करके एक सीमा सील कर दिए, समझ लो। याते अनमिल और सब, क्या लिखा है समयसार नाटक में, चेतन बंत अनंत गुण सहित जो आत्म राम, याते अनमिल और सब उद्गल के परिणाम। त्याग धर्म कहीं बाहर से नहीं आना है। अरे त्याग धर्म कोई अलग थोड़ा ही होता है, इस धर्म का लक्षण है त्याग। इस धर्म का लक्षण है, कौन से धर्म का, कौन से धर्म का, जो धर्म आत्मा का स्वभाव है, जो धर्म दुख से छुड़ा करके सुखी बनाने वाला है, उस धर्म का ये लक्षण है। जो धर्म साम्य भाव रूप है, जो धर्म वितरागता रूप है, जो धर्म अहिंसा रूप है, उस धर्म का ये लक्षण है त्याग। त्याग का मतलब है आपके सामने त्यागी हुई वस्तु आ भी जाएगी तो आप कहोगे नहीं, हमारा तो त्याग। पहले तो जानने वाले तो आपके सामने आलू की लाएंगे नहीं सब्जी, लेकिन कोई अनजान भोला व्यक्ति आपके लिए ले लिया
ये क्या करके, ये हमारी त्याग है घर इसको। त्याग का मतलब है ग्रहण नहीं है, तो त्याग धर्म का भी अर्थ क्या है? पर पदार्थ ज्ञान में आते हैं उनमें अपना तो नहीं होना, उसका नाम ही त्याग है। ये इसी शैली में अर्थ है। पराया माने जो अपना नहीं है बस उसका नाम पराया। ये माने जो उपाधेय नहीं है। त्याग माने जिसका ग्रहण नहीं है उसका नाम त्याग, ग्रहण नहीं करना। तो ग्रहण करने का मतलब क्या है? अपना मान लेना। एक पंडित जी ने व्यवहार न्याय के प्रसंग में कहा, जब व्यवहार न्याय को आप ये कहते हो तो हम पूजा पाठ दर्शन दान दया शील सब छोड़े देते हैं, ये सब व्यवहारिक है हम छोड़ देते नहीं करेंगे। पंडित जी ने क्या कहा? भैया इनमें धर्म मानना, धर्म के इनको धर्म कहना व्यवहार है, ये व्यवहार नहीं है। इनको धर्म कहना व्यवहार है, धर्म मानना छोड़ दे। धर्म कहना छोड़ने का मतलब पहले धर्म मानना छोड़ दे। ग्रहण कहाँ किया है? किसी वस्तु को आप ग्रहण नहीं कर सकते, आपकी ताकत नहीं। केवल उसे दूर रहने पर भी, चाहे निकट रहने पर भी, चाहे कहीं भी होने पर भी, उसे अपना मान लिया उसका नाम ग्रहण है, और अपना पर को पर मान लिया इसका नाम त्याग। पर वस्तुओं को अपना मान लेना इसका नाम ग्रहण। लोक में विवाह पद्धति होती है कन्या का हाथ ग्रहण करो, पाणी ग्रहण बोलते ना, क्या बोलते पाणी ग्रहण, पाणी माने हाथ होता है। तो ग्रहण करने का मतलब क्या है? ग्रहण का मतलब क्या है? अब पकड़े रहोगे हाथ का, संग संग हमेशा पकड़े ही रहोगे, क्या करोगे? ग्रहण करने का मतलब ये, पाणी ग्रहण का मतलब है हम आपने मान लिया ये हमारी पत्नी है, उसने मान लिया ये हमारा पति, उसने मान लिया ये हमारी बहू है, पिताजी ने समझ लिया कन्या पराई हो गई, बस खत्म। पाणी ग्रहण का मतलब क्या है? अपना मान लिया है। अब अपना मानना नहीं छोड़े तो वो वस्तु भी छूट जाए तो होगा क्या? आगे बता, कितनी सुंदर चर्चा, कितनी आनंदमय चर्चा समय सार जी में आचार्य भगवान ने की है। कौन? कुंद कुंद स्वामी, अमृतचंद स्वामी। अरे एक हर्ष आना चाहिए अपने। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत, चेतक है सो तो मैं ही हूं। कैसे ग्रहण करें? कि प्रज्ञा से ग्रहण करो। प्रज्ञा से ग्रहण करने का मतलब क्या होगा? इसको प्रज्ञा से ग्रहण करो। यहां से ग्रहण होगा कि प्रज्ञा से ग्रहण होगा? इसको प्रज्ञा से ग्रहण करो। जब प्रज्ञा से ग्रहण हो गया ये हमारा है बस। अरे वस्तु अपनी थोड़ी हो गई है, अपने में न प्रविष्ट हुई है, न आप उस पर पदार्थ में गए हैं, वस्तु वस्तु में है और वस्तु वस्तु ही रहेगी। वस्तु वस्तु रहेगी माने पुद्गल पुद्गल ही रहेगा, आत्मा आत्मा ही रहेगा। पुद्गल कभी जीव नहीं होगा और जीव कभी पुद्गल नहीं होगा। ग्रहण करने का मतलब क्या है? अपना मान लिया, ये मेरा है। अब आज से इसकी चिंता आप करोगे। लड़की का ग्रहण हो गया ना पाएंगे, अब पिताजी को कोई बात भाई आप चिंता तो करोगे। यही तो व्यवस्था, ग्रहण माने अपना मान लिया। ग्रहण जानने को भी कहते हैं, वो अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन यहां मतलब क्या लेना? ग्रहण करने का मतलब क्या है? अपना मान लिया। तो त्याग का अर्थ क्या हो गया? बस खत्म हो गई।
कि अपना मानना छोड़ दिया, अपना माना है तो अपना मानना छोड़ दे, इसी का नाम त्याग है। और जब तक अपना मानना नहीं छोड़ा तो वस्तु छूटने पर भी छोड़ने पर भी बुद्धिपूर्वक धर्म बुद्धि से त्याग नहीं किया। चलो अपन तो सोना गिराएंगे, अपने दस अक्षरों में खूब स्वाध्याय करेंगे, चिंतन मनन करें, अपने ध्यान करें, धर्म बुद्धि से छोड़ के आए दुकान और धर्म, धर्म बुद्धि से धर्म के लिए, लेकिन अपना मानना तो नहीं छूटा। अभी फोन आया, हाँ बोलो क्या कह रहे, या चलो 10 दिन फोन भी हम नहीं करेंगे, छुट्टी हो गई, फोन करेंगे ही नहीं, हमारे लिए फोन मत करना कुछ, ठीक है। लेकिन अंदर में क्या लग रहा है, अंदर में क्या बसा हुआ है अभिप्राय में, मीरा इस मान्यता पर सच विचार के प्रहार करो। प्रवचन सारी ग्रंथ में आचार्य भगवान ने कहा, किसी योद्धा पर तीक्ष्ण धार वाली अगर तलवार भी हो गए और शत्रु पर अगर प्रहार न करे तो, शत्रु पर अगर प्रहार न करे उस तलवार का, तो विचार करो वह शत्रु के द्वारा प्रहारित होकर के नाश को प्राप्त होगा। ऐसे ही आपने सिद्धांत को समझा, विचार किया, बात तो ठीक है, अरे तत्व विचार रूपी प्रहार करो, बार बार उसको तत्व विचार करो, बाही को विचार कर, बाही में मगन हुजे, बाको पद साज देखो, ऐसी विधि। जब भीतर से तुम्हें ये लगे ये हमारा, अरे नहीं हमारा नहीं, परमाणु मात हमारा नहीं, परमाणु मात हमारा, जैसे क्या हो जाए इससे क्या होगा, कि होगा तो तब जब तुम करोगे। कभी वैद्य डॉक्टर के पास जाते हो, वो इतनी सी गोली देता तो ये नहीं कहते इतनी बड़ी शरीर में इतनी गोली से क्या हो जाए। और हमें तो इतनी इतनी तकलीफ है और आपकी इतनी सी गोली से क्या होगा, कभी ये नहीं सोचते। लाओ और फिर आप क्या कहोगे, कमाल बिल्कुल दर्द आ रहा, ठीक था, खूब नींद आ रही, मैंने इतनी सी गोली में ये नहीं पूछोगे क्या होगा, इतनी सी गोली से क्या होगा। उस डॉक्टर पर भरोसा है, उस औषधि पर भरोसा है, ऐसे ही वीरसास गुरु का भरोसा करो और अपना भरोसा करो, अपना विश्वास करो, या छोड़ो छोड़ो पर की आस, करो करो अपना विश्वास। अज्ञानी पराई आस में मरता है, ज्ञानी अपना विश्वास करके अमर होता है, मुक्त होता है। त्याग का मतलब हुआ पर पदार्थ होने पर भी, ठीक है, इस तरह के शब्द भी आए, कारकों के भेद हो तो भले हो, भले हो ऐसे आया ना, तो हो तो भले हो, इसका क्या मतलब, अरे वे तो रहेंगे। ये आप सोचो विश्व में से कारमाण बरगना मिट जाए, ऐसा थोड़ी होगा, वो तो रहेगी। रागादि से रहे जीव बंद को प्राप्त नहीं होगा, उस कारमाण बरगना होने पर भी परद्रव्य रहेंगे रहेंगे रहेंगे, अनादि अनंत है विश्व, माने छह द्रव्य अनादि अनंत है, तो मैं नहीं अनादि अनंत अकेले, सब अनादि अनंत। अपन सोचे अपन ही रहे अकेले सब मुक्त हो जाए, ऐसा नहीं होगा, सब रहेंगे और आप मुक्त होंगे, कैसे, सब अपने में रह रहे हैं, आप अपने में रहें, उनमें अपनापन छूट गया।
तो पद पदार्थ होने पर भी रहने पर भी, आगे बोलो, उनका ज्ञान होने पर भी मात्र पदार्थ ही नहीं है, उन पर पदार्थों का ज्ञान भी है। मोह राग द्वेष की कल्पना उत्पन्न नहीं होना, उसका नाम त्याग धर्म। मोह राग द्वेष की कल्पना उत्पन्न नहीं होना त्याग धर्म। जैसे ये लड़का बगल में बैठा है, आपको नहीं लगता हमारा लड़का, नहीं लगता? ऐसे ही जो लड़का आपको अपना लगता है वो बगल में बैठ जाए तो आपको ये नहीं लगे हमारा लड़का, बस का इसका नाम त्याग धर्म है? ये कैसे हो सकता है? यही तो कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है बताओ, कैसे हो सकता है? हकी में मत चालो भाई, के हो सकता है क्यों? वो भी आपका नहीं, कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्यों हो सकता है कि वो भी आपका नहीं है? कैसे हो सकता है कि जिनवाणी के अभ्यास, जिनवाणी के अभ्यास से ऐसा हो सकता है? अरे संभव है ये? गरम खोलता हुआ पानी है, उसका ठंडा होना संभव है? अग्नि का शीतल होना संभव नहीं है? अग्नि का शीतल होना संभव नहीं है, क्यों? अग्नि का शीतल स्वभाव है, लेकिन खोलता हुआ पानी है उसका ठंडा होना संभव है। आपको लगता है ये हमारा है, ये मन का छूटना संभव है, ये राग छूटना भी संभव है, ये विकल्प छूटना संभव है, क्यों? ये अपनापन लगना, मोह होना, ये स्वभाव नहीं है। मोह रागादिक भाव का छूटना संभव है, क्यों संभव है? कि ये अपने नहीं है, अपने स्वभाव नहीं है। कैसे संभव है? अभी हमने कहा बच्चा ये बगल में बैठ जाए, लगेगा नहीं आपको अपना है, ये संभव है? कि हाँ संभव है। कैसे संभव है? तो जिनवाणी के अभ्यास है। जिनवाणी के अभ्यास से खूब पढ़ने से नहीं, जिनवाणी के अभ्यास में से, अर्थात जिनवाणी में कहे हुए उपाधेय रूप शुद्धात्मा के अभ्यास से, जिनवाणी में कहे हुए शुद्धात्मा के अभ्यास से ये लड़का आपको अपना नहीं लगता, ये अपना है भी नहीं। ये लड़का आपको अपना लगता है जबकि वो भी अपना नहीं है। अब वो अपना क्यों लगता है, ये क्यों नहीं लगता, ये बताओ। क्या ये आपको अपना लगता है शरीर, इसलिए वो लड़का आपको अपना लगता है? तो ये क्यों अपना नहीं लगता? हम ये हैं, इसका कोई संबंध नहीं, हमारी जाति बिरादरी नहीं, हमारा कुल खानदान नहीं, हमारा अंश नहीं, हमारा वंश नहीं, हमारा फलाना नहीं। माने ये आपको अपना लगता है, इसका संबंध इससे नहीं है तो ये अपना नहीं लगता, और उसका संबंध उससे दिखाई देता है, उसका संबंध शरीर से, और शरीर से शरीर का संबंध है कि उससे जीव का संबंध है? शरीर से शरीर का, और तुम पागल से ऐसे गर्दन कर ली, पंडित टूटर मर्जी में जो मिथ्या दर्शन का स्वरूप लिखा है उसमें पागल का ही दर्शन दिया, जैसे कोई पागल को वस्त्र पहना,
पागल जहां बैठ जाए उसे ये लगता है यही हमारा स्थान है, यही हमारा काम है, यही हमारे ये सब हमारे ही तो है। अगर ये लगता है ये सब हमारा प्रभाव है तो ये पागल ही पन है और कुछ नहीं, ये हमारा कार्य है, ये हमारा प्रभाव है, पागलपन है, पागलपन मिथ्या दर्शन है एकदम। त्याग धर्म का मतलब ये है होने पर भी, और ये तो कुछ नहीं है, तीन लोक ज्ञान होने पर भी और तीन लोक का ज्ञान भी होने पर भी कोई फर्क नहीं। मुनिराज आत्म ध्यान में मग्न थे, कोई भी सही ये सब मुनिराज सही क्या महावीर मुनिराज सही कोई बात नहीं, ध्यान में मग्न आत्मलीनता की अवस्था में ही केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ठीक है, केवल ज्ञान प्रकट होने पर तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ गया। तीर्थंकर प्रकृति का जब उदय आया तो समोसन की रचना, और समोसन की रचना हुई तो ऐसे ऊपर जाकर के गंधगति पर विराजमान हो गए। ठीक है, कोई बात तो नहीं इसमें। अब उनको ये विकल्प नहीं आता, नहीं देश तो नहीं, को आओ को नहीं आओ, चारों ओर ईर्षा है, व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, ठीक तो है, आंख खोल करके देखने का भाव नहीं आता। ये बात हम कम से कम 10-5 बार यहीं बैठ करके कह चुके होंगे, आंख खोल करके देखने का भाव नहीं होता। मानो भगवान उपदेश दे रहे, ये विश्व आंख खोल करके देखने लायक नहीं है। इस विश्व में देखने लायक अपना शुद्धात्मा है, क्यों? उस शुद्धात्मा के देखन हारे को जानन हारे को ज्ञान भी है और सुख भी है। क्या देखेंगे हम? अपनी शोभा में संतुष्ट कभी शीलवान पुरुष को परिस्थिति को देखने का भाव होता है? नहीं होता है। विचार करो, कभी अपने वैभव में संतुष्ट अपने व्यवहार में व्यवहारने वाले साहूकार को पर धन को ग्रहण करने का भाव होता है? तो आत्मज्ञानी को पर द्रव्यों को ग्रहण करने का मने देखने का भाव कहां से आएगा जी बताओ? अमृतचंद स्वामी ने उसका दिग्दर्शन कराया, जिसे पर द्रव्य को ग्रहण करने का उत्साह निवृत्त हो गया। कैसा है ज्ञानी? कितना संतुष्ट है, कितना संतुष्ट है। आप अपने आनंद में मग्न सुनो, आप मेरा अब बोलो मत। उस गधियारे को गुस्सा आ गई, घसियारा तो समझते हो गए आज की भाषा में, समझते कि नहीं? घास खोदने वाला, वो घसियारा थक गया, दोपहर की दोपहरी में कुएं के पास लेट गया, पेड़ के नीचे सो गया, सपना दिखने लगा, मैं राजा हो गया हूँ, मेरा इतना बढ़िया महल है, ऐसे रानियां हैं, ऐसे राजकुमार हैं, ऐसी सेवा हो रही है, ऐसे सेवक हैं, आनंद आ रहा, जय हो महाराज की, जय हो महाराज की। मगन कोई आया तो उसने जगाया, है तूने हमारा सारा राजपद, रोने लगा, हाय हमारा राज्य कहाँ गया, महल कहाँ गया, राजकुमार कहाँ गया, रानी कहाँ गई, अरे कहाँ सो कहे, तुम भी ऐसे ही रो रहे और कुछ नहीं, हमारा इतना नुकसान हो गया, हमें इतना लाभ हो गया। जब बताओ अपने में कोई बाहर से कुछ ग्रहण नहीं होगा तो लाभ कहां से होगा? और अपने में से कुछ निकल करके नहीं गया तो हानि कहां से होगी? एक मान लो ये चश्मा, इसमें से निकाल करके हमने ऐसे कर दिया तो इसमें क्या नुकसान हो गया भैया? जिसकी डिब्बी अलग हो गई तो नुकसान नहीं होगा, और अगर डिब्बी में रख दिया और एक और डिब्बी में रख दे तो क्या लाभ होगा? विचार करो,
इसमें दो ये भुजाएं हैं तो दो ही रहेंगे कि तीन हो गए? दो जाएंगे। अकेला हो तो क्या नुकसान है और साथ में अनेक हो तो क्या नुकसान बढ़ गया। दसवीं बड़ी अधिकार जी पर, लक्ष्मी घटी अधिकार जी पर, घट गया क्या बोलो? उसके घटने से क्या घटा और उसके बढ़ने से क्या बढ़ा? ये तो आपको मालूम होगा, समुद्र में अनेक नदियों का पानी जाए उसमें क्या होगा? कुछ नहीं। गर्मी पड़ी, कितना पानी सूख गया, कुछ नहीं। समुद्र समुद्र है, कौन आया कौन गया, क्या उत्पाद हुआ क्या व्यय हुआ, अरे ध्रुव स्वभाव को देखो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सचमुच कुछ हुआ ही नहीं। त्याग धर्म आत्मा का धर्म है, आत्मा के आश्रय से होता है, आत्म दृष्टि होने पर होता है, आत्मा की भावना से होता है, आत्मा के लिए होता है। उस त्याग धर्म का आनंद कोई पुद्गल में नहीं होगा, तुम्हारा आनंद उस आत्मज्ञान का बच्चे को नहीं होगा, स्त्री को नहीं होगा, माता पिता को नहीं होगा। आपको एक प्राइज मिला, पिताजी को भी, हमारे लड़के को, उनको भी अच्छा लगेगा, है? विचार करो। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है देने लेने की व्यवस्था, कुछ नहीं। ये आनंद केवल अपने लिए है। इतना ही स्वरूप है त्याग धर्म का। इतना ही त्याग धर्म का स्वरूप है कि आत्मा आत्मा है बस। ऐसी समझ होने पर, ऐसी संतुष्टि होने पर इतना आनंदमय, इतना आनंदमय, ये समझ लो बस खत्म हो गई बात। मैंने पदार्थ होने पर भी, नहीं होने की बात नहीं है, होने पर भी और ज्ञान में भी आने पर भी लगता ही नहीं है मेरे। और पढ़ते तो आप भी हो, मेरे न हुए और मैं न से, अति भिन्न अति भिन्न, सदाकाल भिन्न, अति भिन्न अखंड निराला हूं, निज में पर से लिए। बस अब समझ लो, समरस पीने वाला हूं, पीते रहो। देखो बच्चे का दूध माँ के आंचल में है और आत्मा का अमृत तो आत्मा में है। आप जिससे तृप्त होंगे, आपकी भूख जिससे मिटेगी, वह आनंद आपका आपके भीतर है, बाहर नहीं है। महाभाग्य से ये अवसर मिला, खूब अभ्यास करो। इतना ही त्याग धर्म है, क्या आत्मा आत्मा है, इसमें त्याग क्या हो गया? तो त्याग क्या रह गया ये बताओ, त्याग ने योग्य रह क्या गया? बहुत दिन से बता रहे हैं और जब तक बताएंगे तब तक यही बताते रहेंगे, आपको जब तक नहीं सुनना है तब तक यही समझना है, यही समझना है, दूसरा कुछ भी समझने लायक नहीं। इस आत्मा का ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसके जानने पर सर्व ज्ञान स्पष्ट निर्मल जैसा का तैसा हो जाता। अरे
ज्ञानी तो बता रही है, जिनवाणी तो बता रही है, भगवान तो बता रही है, हम समझे तब तो है। अब हम कैसे 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 ही करते रहे तो बताओ कैसे होगा, कैसे होगा। हमने आपको दस्तान दे दिया, थाली रखी है, अब कैसे खाएं कैसे खाएं कैसे खाएं करते रहोगे तो क्या होगा। विचार करो, अरे उस सिंह ने कैसे किया, कैसे देखा था। आप यही तो समझ में नहीं आती कि समझ में तुम इधर देख रहे हो इसलिए नहीं आती। एक बात बताओ, दिखते हुए को देखना कठिन है, दिखते हुए को देखना कठिन है, बहुत कठिन है। अगर आपका उपयोग चंचल है, अगर आप ऐसे ऐसे देखो दिखते हुए भी नहीं देखेगा। अगर आपका उपयोग कहीं दूसरी जगह है, कई बार ऐसा होता है बाहर में आप बैठे तो साहब अमुक आया था कि नहीं, हमें नहीं मालूम, हमारा जरा हम दूसरी ओर उपयोग करें, दिखते हुए भी नहीं दिखे। लेकिन विचार करो, दिखते हुए को देखना कितना सरल है, क्योंकि वो दिख रहा है ना। वो क्या बोलते, गर्दन झुकाई देख ली, कोई ऐसा थोड़ी है ऐसे कहीं कहीं वहां हो वहां हो वहां हो देखना हो। अरे भाई दिखते हुए को देखना तो मतलब उपयोग का वो बस दिख रहा है, यहां हम हैं वहीं आत्मा है। अरे हम स्वयं आत्मा ही हैं, दूसरा कुछ है ही नहीं। आत्मा को जानना, आत्मा को देखना सरल है। इसका एक ये भी हेतु है कि दिखता हुआ आत्मा है ना, देखने में क्या सरल। ऐसा ये त्याग धर्म है, इस धर्म में त्याग और ग्रहण के विकल्प ही नहीं है। विधि निषेध के विकल्पों से पार, त्याग ग्रहण के विकल्पों से पार। ऐसा समझो त्याग होगा और त्याग का अहंकार नहीं होगा, त्याग का आनंद होगा। त्याग का आनंद वो उपचार का कथन है, त्याग का आनंद नहीं, वो आत्मा का आनंद है। लेकिन त्याग का आनंद होगा, ज्ञानी के लिए त्याग आनंदमय है, अज्ञानी के लिए त्याग भी आकुलतामय है, उपाधि है, अहंकार है ना, उसको त्याग नहीं हुआ, त्याग का अहंकार होता तो अहंकार बढ़ने से तो तकलीफ बढ़ेगा, आकुलता बढ़ेगी। ये स्वभाव है ना, जो जिसका स्वभाव है तो अज्ञान का स्वभाव क्या है, राग का स्वभाव क्या है, क्या आकुलतामय है। आत्मा का स्वभाव क्या है, ज्ञानमय है, आनंदमय है। तो जहां अज्ञान होगा तो आकुलता तो होगी। मतलब आप देखो, लोक की भाषा में सब कुछ छोड़ देने वालों को भी शांतता क्यों नहीं मिलती। लोक की भाषा में अपनी मान्यताओं में लौकिक जीवों की दृष्टि में, अरे साहब तुमने सब छोड़ दो, और हमको भी लगता है हमने सब छोड़ दिया, फिर शांति क्यों नहीं, दुख क्यों नहीं छूटा, दुख क्यों नहीं छूटा। कि सब छोड़ दिया है ये अहंकार है, ये भ्रम है। सच पूछो तो सब छोड़ने की बात ही नहीं है, निज का ग्रहण किसके आश्रय से वो सब छूटेगा। एक कन्या से पिता विवाह करने के लिए मान लो चार से दस पांच जगह जाए, लड़का दिखाई नहीं दे, समझ में नहीं आया, कहीं घर कहीं बार कहीं कुछ,
है, लड़की की वजह बहुत परेशान है, गुस्सा आ गई, गुस्सा आ गई, अज्ञानी को गुस्सा ही आ गई और क्या होगा, तो गुस्सा आ गई, निकलो यहां से, उस लड़की से कहा निकलो यहां से, कहां जाए बोलो। अरे भाई ऐसा भी प्रसंग बन जाए तो देव गुरु धर्म शरण है, सदा काल शरण है, आ जाना मारेंगे, लेकिन सूझता नहीं है, मोह की तीव्रता में सूझता नहीं, अब कहां जाए क्या करें। एक बात बताओ, पैसा कभी भी शरण नहीं है, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि के धन परिवार कभी शरण नहीं है, और देवगुरु शरण कब शरण नहीं है जी बताओ, शुद्धात्मा कब शरण नहीं है, जब तुम्हें भयंकर क्लेश होता हो एक बार भगवंतों का स्मरण करके तो देखो, एक बार चैतन्य का स्मरण करके देखो, देखो अब क्या होता है, दुख मिटता है कि रहता है। अरे हम भी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे, जो हम यहाँ कह रहे हैं उसकी जिम्मेदार हम हैं, ऐसा नहीं है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन आगम में क्या लिखा है, ज्ञान की महाशरण को प्राप्त मुनिजन कहीं अशरण है, ज्ञान की महाशरण को प्राप्त मुनिजन कहीं अशरण नहीं है, और बोलो कभी अशरण नहीं, जंगल में है घर नहीं है, पानी बरसने लगा कोई छत नहीं है, पानी बरसने लगा और छत नहीं है, अब क्या करें, अब कहां जाएं, और बुखार चढ़ा है, बुखार चढ़ा है, छत है नहीं, पानी बरसने लगा, हवा चलने लगी, अब क्या करें भगवान, कहां बस देखो तुम्हारे मुंह से क्या निकला, भगवान, अब समझ लो ना भगवान सर। उस समय भी अगर आर ध्यान करके दुखी हो तो हो, किसी का दोष नहीं है, क्या कहा, उस समय शरीर का लक्ष्य करके परिग्रह का लक्ष्य करके आर्थ ध्यान करो तो करो, उस समय भी भेद ज्ञान करके धर्म ध्यान के लिए स्वतंत्र हैं। तो परमार्थ आत्म धर्म या त्याग धर्म इतना ही है जितना आत्मा है आत्मज्ञान, बस इतना। अपने कुंदकुंद स्वामी ने क्या गाथा लिखी है, ज्ञान में प्रत्याशन, बस इतना ही प्रत्याशन त्याग है, इसमें त्याग काय का हुआ कि काय का नहीं हुआ जी बताओ, मोह का त्याग हो गया, इसमें राग का त्याग हो गया, द्वेष का त्याग हो गया, मोह राग द्वेष के त्याग होने पर बोलो काय का त्याग रह गया, जहां से पंडित शेखचंद जी ने त्याग धर्म की जयमाला शुरू करी, हो गया इसमें त्याग योग सब ही संसारा, हो गया। अब इस त्याग धर्म की प्राप्ति के लिए पहले भी एक बात कही थी, देखो कोई भी कार्य है मिनटों का नहीं सेकंडों का होता है, उसकी पूर्व की तैयारी अलग बात, कितनी देर लगे पाणी ग्रहण, अभी कह रहे थे ना कितनी छह घंटे का काम, एक घंटे के दो घंटे के आध घंटे, बस इतना काम हो गया, लेकिन तैयारी, अरे हाथ सौंपने का नाम विवाह है तो चाय का हाथ सौंप लोगे क्या, बला टालोगे क्या, और चाय किसी को हाथ सौंपेगे तो क्या होगा, चाय किसी को हाथ सौंपने वाला अगर दुखी रहे तो किसका दोष है जी बताओ, पिताजी को हवा ही नहीं लगी, उसने चाहे किसी को अपना मान लिया, अपनी मनमानी से विवाह कह दिया, उसे विवाह नहीं है ये कह दिया तो ये, और फिर अगर
दुख हो तो दोष किसका? उसकी तैयारी, ये हाथ थोपना किसी है, उसका लक्षण क्या है, किसकी साक्षी में सौंपना है, कब सौंपना है, कितने समय के लिए सौंपना है, कोई एग्रीमेंट नहीं है ये। विदेशों में तो विवाह एक एग्रीमेंट है, जब तक पड़ी तब तक पड़ी, नहीं तो छुट्टी। आज हिंदुस्तान में वही विदेशी संस्कृति आ रही थी, ऐसा लग नहीं लगा लोगों को, लेकिन यहाँ नहीं है ऐसी एग्रीमेंट नहीं है ऐसा साधारण सा। विचार करो तो उसकी तैयारी कितनी है ना, तो ऐसे त्याग धर्म कितना है, बस मैं आत्मा हूं तो क्या हो गया, लेकिन इसकी तैयारी कितनी है, त्याग धर्म के लिए क्या करना चाहिए। बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं पूरे ग्रंथ में देखो। सबसे पहले कुसंग का त्याग करो, सबसे पहले त्याग कुसंग का त्याग। कुसंग एक ऐसा महादोष है कि सारे दोष कुसंग में आते, और छोड़े छोड़े नहीं छूट रहे, बहुत कोशिश करते हैं। अग्नि के पास घी रखें और कह रहे बहुत कोशिश करे ये जमा बना रहे, एक प्रकरण लिखा है कुसंग का त्याग, जितना लिखा है उतना ही नहीं और विचार करना। अब कुसंग का अर्थ क्या होता है, कुसंग आप कु का अर्थ तो जानते होंगे, मेटो राग कुटी, मेटो राग कुटी, एक लोक पद्धति चरणन योग। चरणन योग के ग्रंथों में लोक नीति के अनुसार कथन होते हैं, निमित्त की प्रधानता से क्रिया की प्रधानता से कथन किए जाते हैं, और ज्ञान योग में अंतरंग की अपेक्षा से कथन है। तो एक कुसंग का अर्थ माने लोक में जिसे खोटा समझा जाता है उसके संग को कुसंग कहते हैं, जैसे जुआरी का संग कुसंग है कि नहीं, क्यों जुआ बुरा समझा जाता है, खोटा है। और जुआरी के संग में वो जुआ जाने कब सीख जाएगा पता ही नहीं, क्या कर रहा है कुछ नहीं हम देख रहे, वो जाने कब देखते देखते सीख जा। शराबी का संग, व्यभिचारी का संग, अन्यायी का संग, क्रूर कसाईयों का संग, बोलो कुसंग है कि नहीं लोक व्यवहार में। ऐसे जीवों को धर्म की प्राप्ति का अवसर भी नहीं है। कुसंग में उलझे हुए जीव, कुसंग में पड़े हुए जीव, धर्म तो बहुत दूर है, धर्म के निमित्तों से भी दूर हो जाते हैं। जितना क्यों भाई, बच्चा कोई खोटे काम करते करते पैदा हुआ है, वो आकर के संग कुसंग में आकर के सीख जाता है। जब कुसंग में आकर के छूटेगा तो वो कुसंग में आकर के सीख गया है तो सत्संग में छूटेगा। एक नीति वाक्य समझ लेना, ऐसा कोई दोष नहीं जो कुसंग में न आ जाए, और ऐसा कोई दोष नहीं जो सत्संग में न छूट जाए। सत्संग में वे दोष अपने आप छूट जाते हैं, व्यवहार नए निमित्त निमित्त संबंध को और लोक व्यवहार को बता रहा है। अरे भाई अगर किसी, यहां पुष्पमाला का दृष्टान दिया संगति और कुसंगति में, फूलों की माला
अगर मुर्दे पर पड़ गई तो कहा हो बाकी कोई पूजा कर रहा हो। और निर्गंध पुष्प भी, निर्गंध माने बढ़िया खुशबू नहीं है, लेकिन चला दिया किसी ने देवता पर, फूल चलाने की पोषण नहीं कर रहे, ध्यान रखना। पंडित जी ने सदा सुख जानी बहुत स्पष्ट लिख दिया, आगम देखा जाए तो सचित्त पूजा और अचित्त पूजा दोनों का कथन है। क्यों? नाना प्रकार के जीव हैं। अरे भाई मेढक चलेगा तो मेढक का चावल और बादाम ले बोलोगे, अब मेढक वहां से पांखुड़ी लेके जाए वो, अब उस छल से अगर तुम पांखुड़ी का देखो मेढक साहब कमर लेकर गया था पूजा करी थी कि नहीं, तो तुम पहले मेढक बनोगे ताकि बात देखी जाएगी जो कुछ होगी। अरे भाई सचित्त पूजा और अचित्त पूजा का विधान है। अब बेचारे को आम का बगीचा था और आम पका था, वो लेकर के चला मंदिर सामने पड़ा, उसने आम चढ़ा दिया, चूहे ने तुम्हें फल आम चढ़ाया, बस हो गया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि हम भी आम चढ़ाने लगे। सचित्त पूजा अचित्त पूजा दोनों के विधान लिखे हैं, कथन आए हैं, लेकिन पंडित जी ने क्या कहा, बड़ी सुंदर चर्चा, पंचम काल में विकलत्व की उत्पत्ति बहुत है। पंचम काल में विकलत्व की उत्पत्ति बहुत है, जीव भी छल ग्राही है, प्रमादी हैं, अंधानुकरण करने वाले हैं, जिन्हें हिंसा से भय हो उन्हें सचित्त पूजा नहीं करो, अचित्त पूजा। और उपवास के दिन तो पुरुषार्थ सिद्धि पाए में नियम ही लिखा, पूजा करे प्रासुकाई द्रव्य, जब पानी प्रासुक पीना है तो पूजा कौन सी द्रव्य से करोगे आप। था वो सचित त्याग प्रतिमा तो पांचवी है, यहाँ बिल्कुल ठीक है, हम कब मने कर रहे नहीं, वहां तो नौ कोटि से सचित के प्रयोग का त्याग है ही, लेकिन निचली भूमिका वाला भी अगर करे तो क्या उसमें दोष आएगा कुछ, भाई वैद्य से वैद्य ने रोगी को बताया कि मौसमी लेना सेब लेना और तुम ही खा ले तो क्या परेशानी हो जाएगी। भाई रोगी के लिए कहा ठीक है और तुम खा ले तो परेशानी हो जाएगी, क्या कैसी बातें सोचते हो। अगर ऊंचा धर्म है, अगर हमने अपनी भूमिका के अनुसार उसको पालन कर लिया, ऐसी छल करोगे ब्रह्मचर्य, अरे वो तो साहब साथ ही प्रतिमा में होता है और तुम ले लोगे तो कुछ पाप लग जाओगे। ये बात अलग है, सातवीं प्रतिमा में नौ कोटि से पलता है उतना इस भूमिका में नहीं पल पाएगा, ये बात सही है, लेकिन उस ब्रह्मचर्य व्रत का सामान्य रूप से पालन करने का निषेध तो नहीं आया। अगर निचली भूमिका में भी अगर आप सचित द्रव्य से पूजा नहीं करेंगे तो कोई पाप तो नहीं लग जाएगा। अरे हिंसा से भयभीत जीव उन सचित पदार्थों को उड़ते उड़ते जीव दिखाई दे रहे हैं, उनमें उड़ते उड़ते खट्टे हो रहे हैं, तमाम आठ दिन तक मारने पर भी फल पड़े हैं, चीटियां लग रही हैं, दो लग रहे हैं, रून रहे हैं, ये सब लिखा है आपका चालू। तो जो जीव हिंसा से भयभीत हैं उन्हें आगम में लिखा है। अरे आगम में तो बहुत कुछ लिखा है, बोलो क्या कहोगे, आगम में बहुत कुछ लिखा है। आप बिल्कुल झूठी बातें हुआ सुनाने लगा, वहां जाकर के जाओ तो अभी दो चार शनिवार मिल ही जाएंगे। ये कोई बात तो नहीं रही, बिल्कुल झूठी बातें करना हुआ जाकर के, करोगे नहीं लेकिन करना तो अभी दो चार का कह रहे का कह रहे का। हाँ बात तो समझे, और जी लोग हैं ऐसे ही हम जानते हैं, और मिला देंगे वो जबरन।
मर जाए कैसी बात है। नाना जीव है, अबे लड़के बिचारे घर में उतनी दरिद्र का समझ लो, दरिद्र का हमें कहने में अच्छा नहीं लगता, धना भाव समझ लो, धना भाव। शिखर जी जाने की भावना जगी, सेठ जी से कहा हम भी आपकी सेवा कर चलेंगे, हम यात्रा करें। अरे तो चलो भाई। वहां पहुंचे और ज्वार चढ़ाता है, तो कहा ज्वार चढ़ाओगे तुम चढ़ाओगे, सोचो विचार करो। आप गांव में किसी के पास जाओ, कहीं किसी घर पहुंच जाओ झोपड़ी में, और वहां एक बोरा डाल दे चाट का, आप बैठ जाओगे आराम से। हैं वहां ये तो नहीं कर रहे ये क्या करते हो, इस बोरे पर हम बैठेंगे क्यों, उसके घर में बोई है उस बढ़िया से बढ़िया से उसने डाल दिया। आप भाव को अभिप्राय को ग्रहण करोगे कि सब उस चिड़िया को पकड़ोगे, ऐसे उत्तम से उत्तम। अब उत्तम से उत्तम का मतलब, उत्तम से उत्तम तो है लेकिन प्रासुक, ये ध्यान रखना। उत्तम तो अहिंसा है, उत्तम तो सील है, तो सबसे पहले क्या त्याग करने योग्य है, कुसंग त्याग करने योग्य है। कुसंगति से बचो और अपने बच्चों को भी बचाओ, जिसे सुखी करना हो कुसंग से बचना चाहिए। कुसंग के त्याग के बिना इस मिथ्यात का त्याग भी मुश्किल पड़ेगा, कुसंग में पड़ जाओगे। उसके बाद आएगा आपका लोक निंद अन्याय अनिति अवक्ष भक्षण आदि लोक विरुद्ध कार्यों का त्याग। फिर आएगा ग्रहित मिथ्यात का त्याग, आएगा कि नहीं आएगा बोलो आप, त्याग माने क्या, उसका क्रम कितना है। त्याग धर्म तो इतना है, आत्मा का आत्मामय परिणाम, आत्मा का आत्मामय परिणाम अर्थात ज्ञानमय परिणाम, आनंदमय परिणाम, सहज परिणाम, स्वाभाविक परिणाम, वह हो गया। लेकिन उसकी त्याग की विधि कहां से प्रारंभ होगी, कुसंग का त्याग, अन्याय का त्याग, अनीति का त्याग। अनीति का त्याग समझते हो, पर को दोष देखने का त्याग, पर का दोष देखने का त्याग। फिर आएगा आपका पापों का त्याग, कसायों का त्याग, ये सब आ जाएगा कि नहीं, आठ ध्यान का त्याग, रोध ध्यान का त्याग, ये सब का सब अंतर्गर्भित उसमें आ जाएगा। हम ये कहते हैं विवाह को शुभ क्यों कहा, उस कन्या ने एक को वरण किया तो सबका त्याग, इस पति के अतिरिक्त दूसरे जो भी हैं वो सब हमारे पिता भाई और पुत्र जैसे हैं, पति भाई जैसा, इसीलिए तो कहा ना। तो ऐसे ही एक आत्मा के अतिरिक्त जो भी अन्य हैं वो हमारे लिए परद्रव्य हैं। जैसे वहां पर पुरुष का भेद किया, ऐसे यहां पर द्रव्य का, और दृष्टांत भी यही दिया, ये और का है जानकर पर द्रव्य को नर तजे, क्यों और की है जानकर पर भाव ज्ञानी पर। बुरे जानकर के नहीं छोड़ा है, पर के जानकर के, पर जानकर के छोड़ा है। इसलिए छोड़ा क्या है, पर को पर जानना यही छूटा है। और अमृतचंद स्वामी ने उस धोबी के लाए के यहां से लाए गए वस्त्र का दर्शन दे दिया। आपको मालूम है वस्त्र बदल करके आ गया दूसरे का जल्दी में और ओढ़ करके सो गया। कहा ए भैया हमारा वस्त्र, जब तक वह अपना मान रहा है तब तक तो बड़बड़ाएगा, तुम्हारा कहां से आएगा, हम अभी लेकर के आए।
ये तो हमारा है, लेकिन जब चिन्ह दिखाया ये तो पराया है, सोई नरम पड़ गया। इस संकलेश का त्याग हो गया कि नहीं हो गया? संकलेश परिणामों का त्याग, आत्मघात का त्याग, आत्मघात करने का त्याग। आप जहां जहां जिस जिस भूमिका में जिस जिस परिस्थिति में खड़े हैं, त्याग आपके लिए समझ लेना चाहिए। विस्तार है ये, विस्तार काय के लिए है? समझने के लिए, समझने के लिए। अब होता क्या है, इस तत्व ज्ञान के अभाव में हम इतने संकीर्ण हो जाते हैं, हमने आलू छोड़ गए, हमने रात को छोड़ दो, वो भी रात झुटपुटा होता जा रहा और खाते जा रहे और कह रहे हमने रात में नहीं खा, वो भी कितना हास्यास्पद है। हमने अनछनो पानी छोड़ दो, हमने बाजार का छोड़ दिया, मैंने जितने भी हमने आइटम गिनाए केवल खाने पीने का, इस सवेरे चर्चा की थी भाई बाजार का मत खाओ, अरे घर पर बना करके खिलाओ ना। हम उसी पॉजिटिव सोच में सोच रहे हैं, वहां ऐसा होता है, अरे तो यहां ऐसा बनाओ जहां ऐसा ना होता हो। और दृष्टांत भी सवेरे दिया था हमने आपको, गांधी जी ने अपने हिंदी के विद्यालय खोले, अपनी संस्कृति के विद्यालय खोले, जहां रह करके बच्चे भारतीय संस्कृति सीखे। तो आपको भी ये काम करना होगा, जहां जैन संस्कृति को सीखें, जहां तत्व ज्ञान के संस्कार मिलें। जबकि अब साहब एक विद्यालय था, एक छात्रावास, अब दूसरे की क्या जरूरत है? हमने अच्छा तुम पे क्या मकान है, दूसरों का खरीद रहे, तुम पे एक कुर्ता है दूसरा का को बनवा रहे, ये कोई बात नहीं। अरे एक एक गांव में एक एक भी हो तो थोड़ा है, काय को लगे तुम। आप सब पॉजिटिव सोचिए, संस्कार देने के स्थान, शील की सुरक्षा के स्थान बनाइए, दूसरे आपके यहां आए आपके विश्वास से, यहां हमारे बच्चे संस्कार के, यहां इन बच्ची बच्चियों का शील सुरक्षित रहेगा। आप इस तरह से बनाओ, मंदिर मूर्ति बनाने में लगे, मंदिर मूर्ति बनाने में लगे। हम ये नहीं कह रहे मंदिर मूर्ति नहीं बनाओ, जहां नहीं है बिना दर्शन के मत रहो, मंदिर भी बनाओ, मूर्ति भी विराजमान करो, खूब आराम है। और मंदिर भी मत बनाओ, बनाओ ही मत, संभालो भी, और मंदिर ही मत संभालो, मंदिर में अपने परिणाम भी संभालो। हम ये निषेध नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं, ये बताओ सवेरे हमने एक दर्शन दिया था और छोड़ दिया था, आपने किसी ने पूछा ही नहीं, भामाशाह आपको गौरव होना चाहिए, भामाशाह जैन था, हम भामाशाह थे, आखिर क्या विशेषता थी? देव मंदिर बनाने के लिए रखा गया धन, मंदिर बनवाने के लिए रखा गया धन, न्याय उपार्जित अपना धन, चोरी का और काला धन नहीं, और राष्ट्र मंदिर की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया। बोले भैया ये तो तुम्हारा धन है। अरे हमारा धन कहाँ का हमारा, जब राष्ट्र मंदिर नहीं रहेगा, मंदिर तोड़े जाएंगे, स्त्रियों की सील नहीं रहेगा, और हाय हाय मचेगी, मार काट मचेगी, मुगलों का शासन होगा, हम ये क्या करेंगे, ये धन की सुरक्षा कैसे होगी? राष्ट्र की सुरक्षा में धन की सुरक्षा होगी, इन मंदिरों की सुरक्षा होगी? ऐसे जाकर के सौंप दिया, और धन ही नहीं सौंप दिया, सारा जीवन सौंप दिया। अगर आपके घरों में, आपके बच्चों में, आपके जीवन में,
अगर ये संस्कार नहीं होंगे बोलो कौन पूजा करेगा, कैसे पूजा कराओ, कौन करेगा बताओ, कौन स्वाध्याय करेगा और कौन सुनेगा, करेगा कौन और सुनेगा कौन। नहीं तो हमारी बाइयां पानी भरने से पहले बर्तनों को साफ क्यों करती, मांजती काय को, ये बता। उसी गंदे बर्तन में खीर क्यों नहीं बनाई, अच्छी तरह मांज करके साफ करके क्यों किया, सफाई की जरूरत है। ये सब तो भंग सफाई के लिए है, सफाई के लिए ध्यान रखना। एक कचरा साफ कर दो, सोचने का एक बिल्कुल खुला उदार दृष्टिकोण रखो, न धर्मो धर्म के बिना, धर्मी के बिना धर्म नहीं होगा। कहाँ किसको सुनाओगे, कौन सुनाएगा, कहाँ खाओगे, कहाँ कौन खिलाएगा, कहाँ कौन खाओगे, कौन कहाँ खिलाएगा बताओ। आलोचना वो वे क्या कर रहे ये मत देखो, आज ये परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई। आपके परिवार में अगर कदाचित कोई सदस्य न हो कभी किसी के यहां, अगर कोई आत्मघात कर ले तो पुलिस आपको पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी, परिवार वालों को पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी, क्यों पकड़ेगी, हमारे साहब क्या कर, तुमने ये परिस्थिति पैदा क्यों करी, तो हम आपको पकड़ रहे हैं, ये समझो, हंसने की बात नहीं, हम आपको पकड़ रहे हैं, ये आज परिस्थिति क्यों पैदा हुई है जी बताओ। या दिन में खाने वाले छट गए अलग, सादगी वाले अलग छट गए, रह गए दो चार रह जाने उनकी परवाह, तुमको आना हो आ जाना, नहीं आना हो तो नहीं आ, कोई बात नहीं। आज ये परिस्थिति किसने पैदा की है, आपकी चुप्पी ने, अब हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, ये कहते रहे ढीले ढीले, मजबूरी, अरे मजबूरी नहीं भाई, मजबूत बनो। कर्तत्व के अहंकार की बात नहीं कर रहे, हम कर लेंगे ऐसा नहीं है, पंचम काल को चौथा काल नहीं बना पाएंगे भैया, ज्ञानी को कोई अज्ञानी नहीं बना सकता और अज्ञानी को कोई ज्ञानी नहीं बना सकता, यही तो चर्चा चल रही है। लेकिन भूमिका में ये भाव आता है, सर्वजीव इस तत्व को समझे, इस मार्ग को समझे और सर्वजीव सुखी हो गए, मज्जंत निर्भर मन। क्यों अमृतचंद स्वामी आपकी इस भावना से सब ज्ञान सागर में निमग्न हो गए का? अरे निमग्न होने की बात भली होनार होगी, वो निमग्न होंगे वो कोई बात नहीं है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, मज्जंत निर्भर मन सब का, थोड़ा सा अपना सोचने का एंगल फिर वही आ गए सवेरे की चर्चा में। मतलब ये है धर्म आप रखोगे काय में रखोगे का जेब में, क्यों अब जब जेब ही नहीं है तो रखे कहां जी बता, कहां रखोगे, सोचो विचार करो। पात्र बिना वस्तु नहीं, पात्रे आत्म ज्ञान, पात्र सभा सेवो सदा ब्रह्मचर्य मत मान। विचार करो आज ही अपन छात्रावास नहीं बने होते, चाहे स्मारक का हो, चाहे बांसवाड़ा का हो, चाहे कोटा का हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे वहां का हो, कहीं कहां से विद्वान आ गए, कहां से आ गए, क्या कर रहे होते, मेरी भावना की कितनी सुंदर लाइन है, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर, इतनी चर्चा का विस्तार हो जाना चाहिए, इतने अपने शिविर लगाओ, इतनी गोष्ठी लगाओ, इतने संस्कार के आयोजन करो कि वो मुश्किल बढ़ जाए पाप को भगते बने, तो मुश्किल आप नहीं गुजरोगे। इन दुष्कृतों को दुष्कर करने वाली एक धर्म चर्चा है, जितनी धर्म चर्चा बढ़ेगी
उतने ही ये पाप दुष्कर होते चले जाएंगे। शास्त्री शब्द बोलो तो जो जो विज्ञान घन होगा त्यों त्यों आश्रम और जब तक अज्ञानी रहेगा तब तक यही होगा। आज हो रहा है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कसायों की तीव्रता में यही होता है। और होता क्या है, कसायों की तीव्रता में क्या होता है, क्या गुरुजनों का अनादर होता है, अपनी मनमानी होती है, स्वच्छंदता होती है, अहंकार होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, मान होता है, माया होती है, बहानेबाजी, तर्क कुतर्क, तर्क नहीं कुतर्क बोलो जी। और यही हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ, हर आदमी तर्क देने को तैयार है, नहीं साहब वो। अरे साहब वो जो कह रहे उसको सुनो समझो भाई, अज्ञान में जो होता है वही होता है भैया। वे चले गए, वे आ गए, अब तो संसार है, आएंगे और जाएंगे, मुक्त तो है नहीं है। तो जो आ गए सो आ गए, अरे वो आएगा वो जाएगा, वो आएगा वो जाएगा, यही संसार इसी का नाम है। मुक्त किसका नाम है कि जहां आए जीव और जाए नहीं। तो उत्तम त्याग धर्म का स्वरूप क्या है, आत्मामय ज्ञानमय आनंदमय, ठीक है ना। और उत्तम त्याग की प्राप्ति की विधि क्या है, विधान क्या है, जिनको उत्तम त्याग धर्म प्रकट हुए हैं उनको देखो, उनका दर्शन करो, उन गुरुओं की संगति करो, इन वचनों का अभ्यास करो, भेद ज्ञान करो, निर्णय करो, अंतर में बारंबार विचार करते हुए स्वानुभव करो। इसके बिना त्याग धर्म नहीं मिला है। ठीक है, अहंकार हो सकता है, अहंकार हो सकता है, जैसे मोही जहां जाएगा जिस पर्याय में जाएगा उसी पर्याय का अहंकार होगा, ऐसे ही जिसका त्याग करेगा उसका ही अहंकार होगा। हमने इतना छोड़ा, हमने इतना छोड़ा, हमने इतना छोड़ा, और तुम पे नहीं छूट रहे हो, कैसे हो तुम। दूसरा हीन दिखाई देगा, अपना बड़प्पन दिखाई देगा। नहीं भैया, तत्व ज्ञान पूर्वक पंडित टोटरमल जी ने ये भी एक निर्देश दिया है, तत्व ज्ञानी होकर के जो अनुयोग का अभ्यास करते, चारों अनुयोग में लिखा है, जो तत्व ज्ञानी होकर के वर्तमान योग का अभ्यास करेंगे उन्हें दृष्टान स्वरूप भाषित होंगे, चरणान योग का अभ्यास करेंगे उन्हें वो सब क्रिया अपने वैराग्य भाव के अनुकूल भाषित होंगी, कर्णान योग का अभ्यास करेंगे उन्हें ये भेद प्रवेश अपने दिखाई देंगे, विराधना आराधना के फल दिखाई देंगे, और अध्यात्म का अभ्यास करेंगे उन्हें अपने श्रद्धान के अनुसार भाषित होंगे। मतलब ये है, तत्व ज्ञानी होने के लिए जिनागम का अभ्यास करो, और तत्व ज्ञान पूर्वक भी जिनागम का ही अभ्यास करो बारम्बार, अन्यत्र प्रयोग लगाने लायक नहीं। ओम नमः। महाभाग्य से एक परमार्थ स्वरूप को दर्शाने वाले और पात्रता को जगाने वाले वचन अपन को मिल रहे हैं। परमार्थ का अंतर में श्रद्धान करना है और पात्रता जगाने वाले जो वचन मिल रहे हैं, अपन सभी उत्साहित होकर संकल्पबद्ध हों, ऐसी खोटी कुसंस्कृति को हम स्वयं तो त्यागेंगे ही, जहाँ चल रही होगी उसमें शामिल तो नहीं होंगे, और हमारा बस चलेगा तो उसको रोकेंगे भी, तो इन वचनों का आदर होगा, ये वचन और भी खिलते रहेंगे, ऐसी हमारी भावना है। नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, गजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार है,